मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने गुरुजी के दरबार में आके या पंडुकर सरकार के दरबार में आया था। पहली बार आया तो बहुत दुखी होके आया था। मैंने पर्ची कटाई बेटे के नाम से। बेटे की नौकरी में हर बार बेटा एक दो नंबर से रह जा रहा था। तो काफ़ी परेशान होने के बाद मैंने कई महीने वीडियो देख के इधर उधर से कंपेयर करके कि जहाँ सबसे बेस्ट लगा मैं आया। मैंने पर्ची कटाई, गुरुजी से मिला, गुरुजी ने मेरे को टाइम दिया कि आपके काम 23, 24, 25 तक सारे संपूर्ण हो जाएंगे जो जो समस्या थी। उसके बाद आज मेरे बेटे की 22 मई को सीजी के वो एसएससी के थ्रू और कैग में नौकरी लगी है अकाउंटेंट की। सब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती आ रही हैं और आगे होती रहेंगी गुरुजी की कृपा से। कहाँ से आए थे सर? मैं जयपुर सांगानेर से। पहली बार कब आए थे? पहली बार मैं आया था साहब 22 नवंबर को आया था सबसे पहली बार। तब मैं मेरे और किसी समस्या को लेकर आया था पर्ची लिख के, उसमें भी गुरुजी ने कहा समाधान हो रहे हैं। दूसरी पर्ची मैंने बेटे के नाम से कटाई थी जनवरी में, फरवरी में मेरा नंबर आ गया। उसमें गुरुजी ने जो तारीख दी थी उस तारीख पर मेरा काम हो गया। तो कैग में सर्विस लगी है बेटे की। बेटा आया यहाँ? नहीं, बेटा नहीं आया, बेटा अगली बार आएगा। पहले आ चुका ज्वाइन करने? हाँ, पहले आ चुका है बेटा, आके दर्शन करके गया है। अच्छा, अमावस्या आप करते? अमावस्या मैं कर रहा हूँ मेरी, और ये कर रही है बेटे की। ठीक ठीक। लोगों से क्या कहना चाहोगे? लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब पूर्णतः 110% विश्वास रख के आए और बताए हुए काम करते रहे। समाधान 100 नहीं 200% होगा यहाँ से। बस आदमी को मन में श्रद्धा हो, हाथीमान जी महाराज की कृपा होगी, पंडोगर सरकार की कृपा होगी, गुरु महाराज की कृपा होगी, सारे काम अपने आप स्वतः ही बनते जाएंगे यदि आप नियम से कायदे से सारे काम करते रहते हैं तो। मोबाइल नंबर क्या है आपका? मोबाइल नंबर है मेरा 7790-83-41-74। किसी भाई को कुछ भी समस्या हो, कोई बात पूछनी हो यहाँ के बारे में, तो मैं बताने को तैयार हूँ। कभी भी मेरा नंबर तैयार है, 24 घंटे खुला रहता है। आप मेरे संपर्क कर सकते हैं यहाँ आने के लिए, किस तरीके से पहुँचना है, क्या क्या विधि है, क्या समाधान है, कैसे पर्ची कटानी है, सारा कुछ बता सकता हूँ।